दोस्तों, हमारे भारत में ऐसे सैकड़ों प्राचीन भव्य मंदिर मौजूद हैं, जो अपने बेमिसाल स्ट्रक्चर और खूबसूरती से आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग और साइंस को भी हैरान करके रख देते हैं। और उन्हीं में से एक है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में शुमार किया जाता है। दरअसल इस मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं, जिनके जवाबों की खोज अभी भी की जा रही है। बताया जाता है कि किसी समय इस मंदिर के शीर्ष पर एक स्पेशल किस्म की विशालाकार चुंबक लगी होती थी, जिससे मंदिर में मौजूद सूर्य देव की मूर्ति हर समय हवा में लटकी रहती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आज से सैकड़ों साल पहले इस मंदिर को आखिर किस तरह से बनाया गया होगा, और क्या वजह है कि इस मंदिर का मेन गेट पिछले 118 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस मंदिर के बारे में इसी तरह की और भी बहुत सी रहस्यमयी बातें हम आज की हमारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोणार्क मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर कोणार्क नाम के एक टाउन के अंदर स्थित है। बताया जाता है कि इस मंदिर को पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा सन 1250 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। राजा नरसिंह देव ने ये मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित करके बनवाया था, जिसमें सूर्य देवता की एक विशाल और भव्य मूर्ति स्थापित की गई थी। यहाँ तक कि इस मंदिर की संरचना भी सूर्य देव के रथ की तरह की गई है। दरअसल हिंदू धर्म में सूर्य देव को पूरे ब्रह्मांड के जीवन का स्रोत कहा जाता है, और माना जाता है कि सूर्य देव आकाश में एक रथ पर सवार होकर यात्रा करते हैं, जिसको सात बेहद ताकतवर घोड़े खींचते हैं। इसी काल्पनिक रथ से इंस्पायर होकर इस मंदिर का डिजाइन तैयार किया गया है, जिसके चलते ये सूर्य देव के रथ के जैसा ही नजर आता है। इस मंदिर के दोनों तरफ पत्थरों के 12 जोड़ी पहिए लगाए गए हैं, साथ ही सात घोड़े इस मंदिर के आगे की तरफ इस तरह से बनाए गए हैं कि उन्हें देखकर लगता है मानो वो मंदिर को खींचकर आगे ले जा रहे हों। मंदिर के दोनों तरफ बने ये पहिए सुंदर होने के साथ ही प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। दरअसल ये 12 पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं, और इन पहियों की मदद से समय का सही सही अंदाजा लगाया जा सकता है। असल में ये पहिए एक ऐसे संडायल का काम करते हैं जो सिर्फ घंटे ही नहीं बल्कि मिनट और सेकंड्स तक का समय बताते हैं। अब जाहिर सी बात है, उस समय घड़ियां तो थी नहीं, इसलिए लोग इन पहियों को देखकर ही समय का पता लगाते थे। इसके अलावा इस मंदिर का रुख भी इस तरह से है कि सुबह की पहली किरण सीधा मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है, जो दिखने में वाकई एक अद्भुत दृश्य नजर आता है। इस मंदिर की दीवारों पर नक्काशी और मूर्तिकला का भी बेहतरीन काम देखने को मिलता है, और यहाँ बनाए गए हर एक स्कल्पचर का अपना एक अलग मीनिंग है। जैसे इस स्कल्पचर को ही देख लीजिए, जिसमें ऊपर की तरफ शेर, उसके नीचे हाथी और उनके नीचे इंसान दबा हुआ नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस स्कल्पचर में शेर इंसान के अहंकार को दर्शाता है और हाथी इंसान के इमोशन को। तो इस तरह इस मूर्ति का मतलब ये निकल कर आता है कि इंसान अपने झूठे अहंकार की वजह से बनी इमोशंस में कैद होकर जिंदगी भर फंसा रह जाता है, यानी अपने अहंकार पर काबू पाकर ही कोई मनुष्य सही मायनों में इंसान बन सकता है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस मंदिर को इतना ज्यादा खास और रहस्यमय बनाती है, लेकिन उन सभी में सबसे ज्यादा मशहूर वो विशालकाय चुंबक है, जो कभी इस मंदिर के शीर्ष पर लगी होती थी। हालांकि ये बात ऐतिहासिक रूप से आज तक साबित नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस मंदिर के अंदर लोडस्टोन नाम का एक 52 टन वजनी पत्थर लगाया गया था, जो कि एक प्राकृतिक चुंबक के रूप में जाना जाता था। इस विशाल चुंबक की वजह से ही मंदिर के अंदर स्थापित की गई भगवान सूर्य देव की मूर्ति हमेशा हवा में लटकी रहती थी, और मूर्ति का इस तरह हवा में लटके रहना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। अब इस चुंबक के साथ क्या हुआ और आज के समय में ये कहां पर है, इन सवालों को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं, जिसमें सबसे फेमस थ्योरी ये है कि शुरुआत में ये मंदिर समुद्र के किनारे पर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे समुद्र का पानी कम होता गया और ये मंदिर किनारे से कई किलोमीटर दूर हो गया। कहते हैं कि इस मंदिर में लगाया गया वो चुंबकीय लोडस्टोन इतना स्ट्रांग था कि उसकी वजह से समुद्र में गुजरने वाले पानी के जहाजों का कंपास तक काम करना बंद कर देता था, और वो जहाज यहाँ से गुजरते हुए अपनी दिशा भटक जाते थे। कहा जाता है कि पुर्तगाली नाविक अपने जहाजों को बचाने के लिए इस मैग्नेट और भगवान सूर्य देव की प्रतिमा को मंदिर से निकालकर अपने साथ ले गए थे, और इस मंदिर से मैग्नेट का निकलना ही इसके गिरने की असल वजह बना था। दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस मंदिर के स्ट्रक्चर को मजबूती देने और इसे खड़ा रखने में उस मैग्नेट का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे, उन पत्थरों के ब्लॉक्स के बीच में लोहे की प्लेट्स लगाई गई थी,
ताकि मैग्नेट की पावर से सभी पत्थर अपनी जगह जमी रहें। ऐसे में जब इस मंदिर के ऊपरी हिस्से से उस मैग्नेट को निकाल दिया गया तो मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर बेहद कमजोर हो गया, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। इसके अलावा कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि इस मंदिर को पुर्तगाली नाविकों ने नहीं बल्कि भारत में घुसे विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था, और साथ ही इस मंदिर में स्थापित की गई मूर्तियों में से एक मूर्ति उड़ीसा के पुरी टेम्पल में आज भी स्थित है और एक मूर्ति दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है। हालांकि इनमें से कोई भी बात ऐतिहासिक रूप से साबित नहीं है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि कोणार्क मंदिर बेहद अद्भुत और सुंदर नजर आता है, लेकिन मंदिर का जो हिस्सा हम लोग आज देखते हैं वो असल में पूरा मंदिर नहीं है। दरअसल इस मंदिर में कुल 3 मंडप हुआ करते थे, जिसमें 2 मंडप कई सदियों पहले पूरी तरह नष्ट हो चुके थे और आज इसका सिर्फ 1 मंडप ही बाकी रह गया है। अब इस मंदिर के बाकी हिस्सों के नष्ट होने के पीछे भी लोग अलग अलग कारण बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर के वो हिस्से आक्रमणकारियों के द्वारा किए गए हमलों की वजह से नष्ट हुए थे, तो कुछ एक्सपर्ट का मानना ये है कि ये मंदिर कभी बन ही नहीं पाया था और मंदिर के जो हिस्से अधूरे रह गए वो समय के साथ धीरे धीरे खुद ही नष्ट हो गए। अब इनमें से कही गई कौन सी बात सही है और कौन सी गलत, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि एक्सपर्ट अभी भी इस मंदिर के नष्ट होने का असल कारण पता लगा रहे हैं। कहते हैं कि आज हमें ये मंदिर जितना ऊंचा नजर आता है, असल में ये उससे कहीं ज्यादा ऊंचा हुआ करता था। यहाँ तक कि समुद्र में सफर करने वाले नाविक इस मंदिर के शिखर को अपने जहाजों से ही देख लिया करते थे। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी है कि प्राचीन समय में कोणार्क एक मशहूर व समृद्ध शहर हुआ करता था, लेकिन 16वीं शताब्दी के दौरान जब इस मंदिर से सूर्यदेव की मूर्ति हटा दी गई, तब इस मंदिर में पूजा होना पूरी तरह बंद हो गया, जिसके चलते तीर्थयात्रियों ने भी इस मंदिर में आना बंद कर दिया और देखते ही देखते ये नगर पूरी तरह वीरान होकर जंगल के रूप में बदल गया। फिर कई सदियों बाद जब इस मंदिर को खोजा गया तब इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और इसके कई हिस्से पूरी तरह ढहकर नष्ट हो चुके थे। आज के समय की बात करें तो इस मंदिर का सिर्फ एक ही मंडप बाकी रह गया है, जिसको इस मंदिर का प्रधान मंडप माना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मंडप के अंदर जाने के सभी रास्ते आज से 118 साल पहले पूरी तरह सील कर दिए गए थे, जो आज भी उसी तरह बंद पड़े हुए हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतना समय बीत जाने के बाद इस मंदिर का दरवाजा आज तक खुला क्यों नहीं गया। दोस्तों, ये चीज इस मंदिर को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती है, और इस दरवाजे के बंद होने को लेकर लोग तरह तरह की अंधविश्वासी बातें भी करते हैं। हालांकि इसको बंद करने के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि 19वीं शताब्दी का अंत होते होते इस मंदिर का आखिरी मंडप भी कमजोर होकर गिरने के कगार पर पहुंच गया था, और इसको गिरने से बचाने के लिए साल 1903 में उस समय के गवर्नर जॉन वुडबर्न ने इस मंदिर के अंदर रेत भरवाकर इसके सभी दरवाजों को सील करवा दिया था। इसके बाद ना जाने कितनी बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने की बात की गई, लेकिन हर बार अलग अलग वजहों से इस दरवाजे के खोलने को टाला जाता रहा। यहाँ तक कि इसी तरह आज 118 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ये दरवाजा उसी तरह बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या इस दरवाजे को सच में मंदिर को गिरने से बचाने के लिए बंद किया गया था, या फिर इसके बंद किए जाने के पीछे कोई और भी बड़ा रहस्य छिपा है। खैर, इन सवालों का जवाब हम लोगों को तभी मिलेगा जब इस दरवाजे को खोला जाएगा। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने मनपसंद टॉपिक का सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम जरूर उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।